थी कि इस पुण्य भूमि से मां दुर्गा भवानी के चरणों में शीश झुकाते हुए मैं चुनौती देना चाहती हूं गांधी खानदान के उस बारिश को, क्या करूं मेथी के किसानों के बीच में, अगर हिम्मत है तो बता दे कि उनके राज में कितने पाप कर वो गए। आज कृषि विज्ञान केंद्र के एक वैज्ञानिक ने आप सबको संबोधित किया, ये राहुल गांधी जो देश भर में झूठ बोलते हैं आकर बतला दे कि अपनी सत्ता अपना सांसद ना होने के बावजूद अगर अमेठी में पहली बार हमारे इतिहास में किसी ने कृषि विज्ञान केंद्र किसी ने दिलाया तो गांधी खानदान ने नहीं नरेंद्र मोदी ने दिलाया। अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी के पास अपने किसी काम को बताने के लिए कुछ नहीं है, ना अपने मंत्रालय से ना भारत सरकार से, तो राहुल गांधी जी और कांग्रेस का नाम लेकर अपने पाप को छुपाने काम करती हैं। पूरा देश जानता है और अमेठी इस बात को मानती भी है कि उनसे धोखा हो गया है। जो भी आज उद्योग धंधे अमेठी में स्थापित हैं, जो भी सड़कें बनी हैं जिन पे सांसद गड्ढे नहीं भरा पा रही हैं, वो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की देन है। अमेठी के लोग अगर असल में कुछ जानना चाहते हैं तो स्मृति ईरानी जानना यह चाहते हैं, कभी ताजा जो आरोप लगा है 25 लाख रुपए के घूसखोरी के पीछे आपकी कितनी हिस्सेदारी थी? कि राहुल गांधी एक ऐसा सांसद था जिसने सम्राट साइकिल में फैक्ट्री डलवाने का सपना दिखा के अमेठी के किसानों की जमीन खुद हड़प कर ली। हम आश्चर्यचकित थे कि जिला की एक तहसील की एक कोर्ट से आदेश निकलता है कि किसान की जमीन लौटाई जाए। 6 साल से संघर्ष चल रहा है लेकिन राहुल गांधी टस्से मस नहीं हुए। आज भी उनका खानदान सम्राट साइकिल के किसानों की जमीन हड़प कर बैठा है। आपने मालविका स्टील को बिचवाने में कितने का भागीदारी निभाई है? आपके पति देव ने जो जमीन घोटाला मध्य प्रदेश में टाइगर रिजॉर्ट के बगल किया है उसके लिए देश की जनता से कब क्षमा मांगेंगी? सांसद स्मृति ईरानी जी के ऊपर सांसद निधि घोटाले को लेकर जो रिकवरी किए जाने के आदेश चर्चा में आए हैं, देश की जनता पे उससे कब छाव मांगेंगी? जिस मात्र एक उद्देश्य पर चुनाव जीती थी 13 रुपए किलो चीनी देने के वादे के नाम पर, अमेठी के लोगों को 13 रुपए किलो चीनी कब मिलेगी? अमेठी की जनता जानना चाहती है। अमेठी की जनता ये भी जानना चाहती है भारत सरकार के जिस मंत्रालय के आप मंत्री हैं उस मंत्रालय से अमेठी को कब और क्या मिलेगा, ये बताने कष्ट करिए। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NDTV भारत।